हेलो गाइस, वेलकम है आप सबका पाठशाला आईआईटी जेई ऑनलाइन क्लासेस में। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट्स। तो इस वर्ड सॉलिड से हम लोग बहुत पहले से वाकिफ है, यानी कि क्लास नाइन्थ में ही हम लोग को पढ़ना था स्टेट्स ऑफ मैटर। तो उस जगह हम लोग ने देखा था तीन स्टेट्स, एक तो सॉलिड था, एक लिक्विड था और एक गैस था, यानी कि जो मैटर्स होते हैं। क्या मैटर्स? मैटर के बारे में जानती है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस और हैविंग मास इज नोन एज मैटर। तो इस मैटर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किए थे। एक था अपना सॉलिड, एक था अपना लिक्विड और तीसरा था गैस। एक और इसका टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा स्टेट। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। ठीक है, तो पहला देखते हैं सॉलिड के बारे में। द स्टेट ऑफ मैटर हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मतलब आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो सॉलिड मैटर का वह स्टेट है जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, यानी कि बहुत ही आसपास होता है। क्लास नाइन्थ में हम लोग पढ़े थे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में। तो सॉलिड के बारे में क्या पढ़े थे कि इसका शेप और साइज फिक्स होता, इसका जो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स लगता है। लिक्विड के बारे में पढ़े थे कि इसका शेप साइज वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ये कंटेनर के हिसाब से अपना शेप साइज और वॉल्यूम चेंज करता है। इसके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड से कम लगता है और इसके बीच के जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। उसके बाद में पढ़ते गैस के बारे में, तो गैस के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स लगभग नेग्लिजिबल ही होता है और इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका कोई शेप और साइज फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, एक चीज़ और आया था प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट एक गैस का स्टेट है जिसमें कि ऑर्बिटल से कुछ इलेक्ट्रॉन्स गायब कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसी गैसेस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा स्टेट। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी हम लोग को कोई काम इसका नहीं है। तो सॉलिड्स के बारे में क्या पढ़े? द स्टेट ऑफ मैटर हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। ठीक है, तो ये सॉलिड्स होता है। अच्छा भाई, तो अब हम लोग देखते हैं क्या जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहला प्रॉपर्टी है शेप साइज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आर फिक्स्ड, मतलब सॉलिड्स का शेप साइज और वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन सॉलिड पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, मतलब सॉलिड पार्टिकल्स के बीच का जो सॉलिड पार्टिकल्स का मॉलिक्यूल्स होता है उसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा होता है। अभी जस्ट ऊपर ही हम देखे ना, सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? क्लोजली पैक्ड होता है, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है आसपास के जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, तो इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। तो अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टीज पे। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि देयर स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स एग्जिस्ट्स इन सॉलिड, मतलब सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, क्योंकि नजदीक नजदीक है, जितना नजदीक होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, तो इसलिए सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। चौथा प्रॉपर्टी ये है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि जो सॉलिड्स होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, मतलब उनको मेल्ट और बॉयल करने के लिए हमको टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा राइज करना पड़ेगा। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये कहता है कि सॉलिड्स जो है वो आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखें कि आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक क्या है, तो ये प्रॉपर्टी बस लिख लीजिए अभी। सिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड ये है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई, सॉलिड्स का डेंसिटी क्या होता है? बहुत ही हाई होता है। जाहिर सी बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत नजदीक नजदीक होंगे उनके बीच का इंटरमॉलिकुलर डिस्टेंस बहुत कम होगा और उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स लग रहा होगा तो उसका डेंसिटी बहुत ही ज्यादा होगा। सातवां प्रॉपर्टी ये बोलता है कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी इज वेरी लो, मतलब सॉलिड्स का फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होता है। तो ये क्या था? सात प्रॉपर्टीज हम लोग को सॉलिड का अभी देखा हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा भाई अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जस्ट जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी आया था सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। तो अब वो समझते हैं आइसोट्रॉपिक की, भैया आइसोट्रॉपिक और एनिसोट्रॉपिक है क्या। ठीक है,
तो पहला देखते हैं, पहला क्या है, आइसोट्रॉपिक, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक बेसिकली वो प्रॉपर्टी है सॉलिड का, आइसोट्रॉपिक वो प्रॉपर्टी है सॉलिड का जिसमें कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो सभी डायरेक्शंस में सेम होता है। फिर से दोबारा ध्यान समझना कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है सॉलिड का वो सभी डायरेक्शंस में सेम होता है। तो वी कैन राइट दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर सेम इन ऑल डायरेक्शंस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक है। तो आइसोट्रॉपिक क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो वैसा सॉलिड जिसका की फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे डायरेक्शंस में कैसा हो, सेम, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक सॉलिड, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है एनिसोट्रॉपिक, एक आइसोट्रॉपिक और एक एनिसोट्रॉपिक, ठीक है। तो एनिसोट्रॉपिक क्या होता है, बस उसका उल्टा, द फिजिकल प्रॉपर्टी आर नॉट सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, ठीक। तो एनिसोट्रॉपिक क्या है, द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट सेम इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन इज कॉल्ड एनिसोट्रॉपिक इन नेचर। तो वैसे सॉलिड्स जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज सारे डायरेक्शंस में समान नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक का एग्जांपल होता है एमोर्फस सॉलिड्स, सॉरी, और एनिसोट्रॉपिक का एग्जांपल होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में भी, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने देखा था आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स। आइसोट्रॉपिक सॉलिड्स में आपका आता है एमोर्फस सॉलिड्स और एन आइसोट्रॉपिक में आता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स पे, टाइप्स। तो सॉलिड्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और एक होते हैं एमोर्फस। तो क्रिस्टलाइन को हम ले सकते हैं, देयर रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। मतलब सॉलिड्स वैसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत ही रेगुलर तरीके से हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन। और एमोर्फस हम लोग क्या बोलेंगे, द इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज कॉल्ड amorphous solid. The irregular arrangement of particle in solid is called amorphous solid. तो वैसे solid जिसके particles का arrangement बहुत ही irregular होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, amorphous solid. अब crystalline के example में आते हैं, तो crystalline में आपका आ जाता है NaCl हो गया, फिर से आपका diamond हो गया, फिर से आपका ग्रेफाइट हो गया, एटसेट्रा, और भी। और एमोर्फस में आपका आ जाएगा प्लास्टिक, रबर, ग्लास, एटसेट्रा, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में क्या क्या आ गया, NaCl, डायमंड, ग्रेफाइट, एटसेट्रा, और एमोर्फस में क्या आ गया, प्लास्टिक, रबर और ग्लास, ओके। तो अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको नोट डालते, लिख लो नोट में, that glass is
कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड बिकॉज फ्लो ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ग्लास इज वेरी स्लो. ठीक है, तो ग्लास को हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड बोलते हैं. इसमें एक वर्ड आ रहा है लिक्विड और एक वर्ड आ रहा है फ्लो ऑफ पार्टिकल्स. तो फ्लो ऑफ पार्टिकल कभी सॉलिड्स में तो संभव है ही नहीं. पार्टिकल्स फ्लो किसमें करते हैं, या तो लिक्विड में या फिर गैस में. तो ग्लास जो होता है वो सिलिकन डाइऑक्साइड का बना होता है, यानी कि SiO2 का बना होता है. ठीक है, तो यही SiO2 पार्टिकल्स जो होता है वो समय के साथ अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, और बहुत ही धीरे बहुत धीरे. यानी कि अक्सर आप लोग पता नहीं देखे हो कि नहीं, लेकिन कभी देखना, बहुत पुराना शीशा जो होगा, खिड़की का शीशा, उसमें ऊपर का पार्ट पतला हो गया होगा और नीचे का पार्ट मोटा हो गया होगा, यानी कि पार्टिकल ऊपर से नीचे की ओर फ्लो कर गए, और ये फ्लो बहुत ही धीरे होता है. ठीक है, तो इसलिए हम लोग ग्लास को क्या बोलते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड, क्योंकि इसमें SiO2 जो पार्टिकल्स होता है जिससे ग्लास बना होता है उसका फ्लो होता है, और वो बहुत ही धीरे धीरे होता है, एंड दैट इज फ्रॉम अपर लेयर टू लोअर लेयर. ठीक है, इस चीज को देखना खिड़की में कि ऊपर वाला जो लेयर होगा वो पतला हो चुका होगा पहले से, और नीचे वाला लेयर पहले से मोटा हो चुका होगा. ठीक है, और इस क्वेश्चन को अपने कॉपी में अपने लैंग्वेज में लिख लेना, दैट व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कोल्ड लिक्विड. डन. अब देखो, बोर्ड्स में अक्सर क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड्स में अक्सर पूछा था 3 नंबर में क्वेश्चन, कि डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड. तो इसको देखते हैं हम लोग. तो एक तरफ हम लोग लिखते हैं क्रिस्टलाइन, और एक तरफ हम लोग लिखते हैं अमॉर्फस. उसके बीच हम लोग डिफरेंस देखते हैं. पहला, तो अभी हम लोग देखे कि क्रिस्टलाइन में रेगुलर अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और एमोर्फस में इरेगुलर. अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है, दूसरा कि क्रिस्टलाइन को हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, ट्रू सॉलिड्स, और एमॉर्फस को हम लोग स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट. डायमंड और ग्रेफाइट हम किसमें रखे थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में, तो वो क्या है, ट्रू सॉलिड्स है. लेकिन जो प्लास्टिक है, वो रबर है, वो दिखने में तो ट्रू सॉलिड्स, दिखने में सॉलिड्स लगता है, लेकिन वो बेसिकली में ट्रू सॉलिड्स नहीं होता, वो स्यूडो सॉलिड्स होता है. यानी कि अभी हम लोग सॉलिड्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो सॉलिड की प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या देखा था, कि इसका फ्लेक्सिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही लो होता है. यानी कि सॉलिड्स को हम जल्दी कंप्रेस नहीं कर सकते, उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं कर सकते, उसको घुमा नहीं सकते. लेकिन अगर तुम एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करो, जिसमें कि रबर और प्लास्टिक आता है, तो उसको तो हम लोग आसानी से मोड़ सकते हैं, आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं. इसलिए हम लोग एमॉर्फस क्या बोलते हैं, सूडो सॉलिड्स. ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है अपना कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर वेरी शार्प. यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही शार्प होता है, और एमॉर्फस का इट मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. यानी कि मान लो कि कोई सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वो
उस बॉडी का टेम्परेचर अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस राइज कर दे तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो सारा बॉडी क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा। लेकिन ये एमोर्फस में नहीं है, उसको 250 पे हम पूरा तरीके से मेल्ट नहीं कर सकते। हो सकता है 250 में कुछ मेल्ट हो, कुछ सॉलिड रह जाए, फिर और टेम्परेचर बढ़ा, 250 से 260 पे गए तो और मेल्ट किया, थोड़ा सा बचा रह गया, 270 पे गया तो पूरा मेल्ट कर गया। तो ये क्या होता है, एक रेंज में मेल्ट करता है, यानी 250 से लेके 270 डिग्री सेल्सियस में आते आते ये पूरा मेल्ट करेगा। लेकिन क्रिस्टलाइन में क्या है, जैसे ही 250 आएगा पूरा का पूरा सॉलिड मेल्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा प्रॉपर्टी था। चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, चौथा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि इट हैज क्लीन कटिंग। इट हैज क्लीन कटिंग, यानी कि इसका बहुत ही शार्प कटिंग होता है, बहुत ही क्लीन कटिंग होता है। लेकिन एमोर्फस में क्या है, इररेगुलर कटिंग। ठीक है, अरे सबको पता है भाई, डायमंड डायमंड का बहुत ही क्लीन कटिंग है, और प्लास्टिक रबर ये सब का कोई क्लीन कटिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये था अपना फोर्थ प्रॉपर्टी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है क्रिस्टलाइन एमोर्फस का, दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड एमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ओके, तो अगर फ्लैशबैक में जाएं तो फ्लैशबैक हमने देखा था एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक सॉलिड के बारे में, जिसमें एन आइसोट्रॉपिक क्या था कि हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस में उसका प्रॉपर्टी सेम नहीं होता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, एन आइसोट्रॉपिक। और हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस में प्रॉपर्टी अगर सेम होता तो उसको हम क्या बोलते थे, आइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो मान लो ये दो अरेंजमेंट हम ले लिए हैं, एक है अरेंजमेंट ए और एक है, दो अरेंजमेंट ले लिए, एक ए और एक बी। ठीक है, तो जो ये ए है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का है, और जो ये बी है ये एमोर्फस सॉलिड्स का है। ठीक है, तो अगर मान लो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में ये आयनिक सॉलिड का है, किसका है, आयनिक सॉलिड का, तो इसमें आयन्स होंगे, तो हमने दो कलर लिया, एक ब्लू और एक रेड। तो इसके अरेंजमेंट देखो, एक ब्लू फिर एक रेड, फिर एक ब्लू फिर एक रेड, फिर एक ब्लू फिर एक रेड, दिख रहा सबको, फिर नीचे में एक ब्लू एक रेड, एक ब्लू एक रेड। ठीक है, तो मान लो अगर ये ब्लू पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा हो और रेड निगेटिव को, तो फर्स्ट पॉजिटिव है, फिर उसके बाद निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर निगेटिव है, दिख रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे एक्स डायरेक्शन में, किसमें, एक्स डायरेक्शन में अगर हम बात करेंगे तो हमको पहले दिखेगा पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर निगेटिव। एक ही अरेंजमेंट में बात हो रहा है, ये क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट में बात हो रहा है, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, अच्छा मान लो अगर तुम कोई रैंडम डायरेक्शन ले लो, ऐसे इस वाला डायरेक्शन में जाओ, तो इसमें क्या दिख रहा, एक पॉजिटिव दो निगेटिव, फिर दो पॉजिटिव फिर एक निगेटिव। ठीक है, उसके जस्ट बगल वाला फिर एक अरेंजमेंट लो, तो इसमें क्या दिख रहा, एक निगेटिव फिर दो पॉजिटिव फिर दो निगेटिव। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे अपन डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, हमारा जो अरेंजमेंट है आयंस का वो क्या कर रहा, चेंज कर रहा। तो जैसे ही अरेंजमेंट चेंज करेगा, जैसे ही आयंस चेंज करेगा, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज करेगा। तो यानी अलग अलग डायरेक्शन में जाने पे मेरा बाप और प्रॉपर्टी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। इसलिए हम क्रिस्टलाइन को क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। क्या बोलते हैं, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, और अगर सेकेंड वाले अरेंजमेंट को तुम देखो, तो ये एक रैंडम अरेंजमेंट है, यानी कि कोई भी पार्टिकल कहीं भी रखा हुआ है, कहीं प्लस है कहीं माइनस है, फिर कहीं प्लस है फिर कहीं माइनस है, फिर कहीं प्लस है। ठीक है, तो ये दिख रहा है ना, अलग मतलब कोई एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट नहीं है, एक रैंडम अरेंजमेंट है, किसी को उठा के भी कहीं रख दिए। ठीक है, तो इसमें अगर तुम कहीं बीच में हम खड़े कर दें, तो सारे तरफ तुम्हारा क्या होगा, सेम ही दिखेगा, मतलब एक जैसा दिखेगा, तो सारी जगह प्रॉपर्टी कैसा होगा, सेम ही होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एमोर्फस आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, यानी कि सारे डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज कैसा होता, सेम। ठीक है, तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि तुम एक सेमिनार में गए। ठीक है, उस सेमिनार में सेमिनार चल रहा हो, सबसे आगे में बैठे हुए बूढ़े आदमी, ठीक है, बीच में बैठे हुए गर्ल्स और सबसे लास्ट में बैठे हुए बॉयज। ठीक है, तो अगर तुम बूढ़े आदमी की तरफ देखोगे, ओल्ड पर्सन की तरफ देखोगे, उस डायरेक्शन में अगर देखोगे, तो उधर सिर्फ प्रॉपर्टीज किसका तुमको दिखेगा, सिर्फ बूढ़े आदमी का। ठीक है, अगर तुम गर्ल्स तरफ देखोगे तो सारा प्रॉपर्टीज किसका दिखेगा, लड़कियों का। फिर अगर बॉयज में देखोगे, सारा प्रॉपर्टीज किसका दिखेगा, बॉयज का। यानी कि डायरेक्शन चेंज करने पे प्रॉपर्टी क्या हो रहा, चेंज हो रहा। ठीक है, और मान लो कि ऐसा कुछ सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बैठाए होते, कहीं कहीं किसी को भी बैठाए थे और रैंडम को कहीं बीच में खड़े कर देते, तो जब तुम गोल घूमते तो तुमको हर तरफ क्या होता, प्रॉपर्टी
सेम ही दिखता क्योंकि रैंडम है, अगर इधर देखो तो इधर भी बूढ़ा, इधर भी लड़की, इधर भी लड़का, ठीक है। तो जब रैंडम अरेंजमेंट होता है तो उसमें प्रॉपर्टीज कैसा हो जाता है, सेम हो जाता है सारे अट्रैक्शन में। लेकिन अगर रेगुलर अरेंजमेंट होगा तो वहां पे सारा प्रॉपर्टी सेम नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम क्रिस्टल क्या बोलते हैं, एनिसोट्रॉपिक, और एमॉर्फोस क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोट्रॉपिक। समझ में आ गया? ओके, तो वी हैव सीन फाइव डिफरेंसेस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स। ये क्वेश्चंस हमेशा बोर्ड्स में पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बताइए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।